ओके डियर स्टूडेंट्स, उपाध्याय ऑनलाइन स्टेनोग्राफी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो है चैप्टर 25 करने वाले हैं, नहीं सॉरी 26, जिसका नाम है मीडियल सेमी सर्कल। तो एक तो मीडियल वर्ड से आप समझिए, मीडियल का मतलब है मिडल में आने के लिए, सेमी सर्कल मीन आधा सर्कल। जैसे एक ये छोटा सा सर्कल है, इसके हम दो पार्ट करते हैं, ये हमारा जो है लेफ्ट सेमी सर्कल है और ये है राइट सेमी सर्कल, लेफ्ट सेमी सर्कल और राइट सेमी सर्कल। तो इसको अलग अलग यदि हम करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये मतलब ये हमें विद और व्हाट के लिए ग्रामरों के लिए भी यूज करते हैं। तो लेकिन थोड़ा सा आपको याद होगा, ये वाला जो है हम जो है सेमी सर्कल हम पहले से यूज कर चुके हैं एज ए एब्रीवेशन ऑफ वे, वे के एब्रीवेशन के लिए यूज करते थे। किससे पहले? वे प्लस में हमारा था के, गे, एम, रे और आर। इनसे पहले यदि वे आते हैं तो हम जो है इसका जो है जस्ट ये इतना हिस्सा लिखाने मतलब राइट सेमी सर्कल जो है यूज करते थे, ये आपको याद होगा। तो ये था हमारा, लेकिन बिगिन में यूज कर रहे थे हम। और जो है कुछ कवे और गवे हमने जो है ये भी हमने यूज किया था, तो लेकिन ये एक बड़ा हुक लगा देते थे। और लगता है ये जो है बिगिन में था, लेकिन इसका रीडिंग जो है कॉन्सोनेंट के बाद किया जाता था। तो अब बेसिकली ये जो वे है बिगिनिंग में तो ठीक है, पांच कॉन्सोनेंट के हमने यहाँ पे यूज कर रहे थे शॉर्ट फॉर्म, और बाकी में हम फुल फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो लेकिन ये जो वे कॉन्सोनेंट है यदि ये मिडल में आए तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है लगाना इसको, क्योंकि इसके साथ एक हुक लगा हुआ है तो इसका ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम सोचते हैं इसके लिए जो है ये साइन यूज किया जाए और इसको डिटेच करके यूज किया जाए, मतलब उसमें ज्वाइन ना किया जाए कहीं पे और पूरा वे ना लिखा जाए। तो ये समझने के लिए थोड़ा सा हमें इसे यूज कैसे किया जाएगा, तो जो कॉम्बिनेशन आएंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। जैसे मिडल की बात है, मिडल में यदि वे एक आ जाए हमारा वे कॉन्सोनेंट और उसे बाद में साथ में कोई वाउल अटैच होगा, तो वो वाउल होगा हमारा डॉट वाउल हो सकता है या डैश वाउल हो सकता है। तो पहले हम डॉट वाउल की बात करते हैं, तो डॉट वाउल में हमारा आ हो सकता है या ए हो सकता है। ये मैंने पा में भी इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा हमने ये सेंटेंस याद किए थे वाउल्स को याद रखने के लिए, तो दैट पेन इज, तो इनमें जो जो वाउल साउंड आ रहा है उसके हिसाब से हम जो वे के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, मान लिया वे के साथ में आ आता है या ए आता है, तो हम जो है ये वाला जो साइन है फर्स्ट प्लेस पे लगा देते हैं जिस कॉन्सोनेंट के बाद ये आ रहा है। और उसी तरह से वे प्लस में या तो ए आए या पेन के साथ वाला ए, मतलब ए का लाइट फॉर्म यदि आएगा तो यही साइन हम जो है सेकंड प्लेस पे लगा देते हैं। और ऐसे ही वे प्लस या तो ई हो या छोटा ई का साउंड हो तो हम थर्ड प्लेस पे ये वाला साउंड लगा देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब हम जस्ट ये इसको यूज करके देख लेते हैं। एक वर्ड है हमारा गुड वार, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे, ये बी लिखा हमने, डी लिखा और ये रे लिखा। तो पहले ये वाला जो साउंड है ये वाला वाउंड लगा देते हैं, फिर इसमें क्या आ रहा है, वे का साउंड आया बीच में आ रहा है और प्लस में आ का साउंड आ रहा है, कहने का मतलब ये जैसे गुड वार, इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता है। तो कहने का मतलब ये वाला साउंड जो है हमारा यहाँ पर लग जाएगा इस तरह से, डी के बाद आएगा तो ये फर्स्ट प्लेस पे लग जाएगा। तो इसी तरह से ये हमारा मैम वा, तो एम एम और ये आर, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही लग रहा है यहाँ पे, तो ये ऐसे इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस का है और उसके बाद में हमारा ये साउंड आ रहा है वे के बाद में। तो इसी तरह एस वेज, ये यहाँ पे वे का साउंड देता है ये, और यहाँ पे ए एक साउंड आ रहा है हमारा सेकंड प्लेस का हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो प्लेस जो है
वे के बाद में जो वावल आता है उसका जो प्लेस होगा उसके हिसाब से हमें लगाना है। तो एस वेज हमारा बना ये करके, ऐसे करके, और ये वेज ऐसे बना, ये सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। 12, 12 में टी एल और वी। अब देखिए ये वी वे और ये पेन वाली जो साउंड इधर आ रही है, तो वे प्लस ये पेन वाला सेकंड प्लेस ही साउंड हुआ है, सेकंड प्लेस। तो ये सेकंड प्लेस पे लगेगा हमारा, ये इस तरह से होगा। तो यदि हमारे पास ये अल्टरनेट थी नहीं था तो हम जो है ये 12 हमें बनाना पड़ेगा, तो काफी मुश्किल हो जाएगा। ये इस तरह से हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, एल डाउन लेके आना पड़ेगा, बी लेके आना पड़ेगा, वेरी बैड ज्वाइनिंग। तो ये हमारे इस तरह की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी इससे। सी वीड लिखना है तो सी लिखा और ये डी लिखा। तो अब ये आप देखिए इसमें ये वे के बाद में ये थर्ड प्लेस का वाउल आ रहा है ई, तो और डी से पहले आ रहा है ये, तो हमारा जो है यहां लग जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक ट्विक जो है, ट्विक वे प्लस वही अगेन छोटा ही आ जाएगा, ये भी थर्ड प्लेस का है और डॉट वाल हो गई। तो डॉट वगैरह से हमें ज्यादा मुश्किल है, कोई नहीं है। डॉट वाल यदि होगा तो ये लेफ्ट सेमी सर्कल यूज करना हमारे को। तो कहने का मतलब ये हुआ वे प्लस डॉट वॉल, यदि आएगा तो लेफ्ट सेमी सर्कल यूज करना है, मतलब ये वाला साइन विद जैसा साइन। अब ये भी आप इससे आप थोड़ा सा कर सकते हैं, विद में भी हमारा डॉट वॉल आता है और ये हम डॉट वॉल के लिए रिप्लेसमेंट लिख रहे हैं, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा हिंट हमें मिलता है इससे। और मैटर करेगा प्लेस जो है वे के बाद में जिस भी प्लेस का वाउल आ रहा है हमारा, उसी प्लेस पे हम ये साइन लगा देंगे। तो फिर हमारा रहा नेक्स्ट जो है वे प्लस में डैश वाउल्स। तो डैश वाउल्स के लिए भी मैंने लिखा है ऑल गो टू नॉट मच गुड, इनसे हमें पता है क्या क्या साउंड आती है। तो बेसिकली वे प्लस में ओ का या ओ का साउंड आएगा, तो यही साइन जो हमारा फर्स्ट प्लेस पर लग जाएगा। और ओ या अ यू से जो साउंड आती है हमारी, तो ये वाला साइन हमारा प्लेस टू पे लग जाएगा। वे प्लस ऊ है और ऊ है छोटे वाला, तो यही साइन जो हमारा थर्ड प्लेस पे लग जाएगा। तो इसको भी हम जैसे वुड से हम थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, वुड के लिए हम ये वाला इस तरह साइन करते हैं, इसमें भी ये डैश वाउल आ रहा है। तो वे प्लस में जो है डैश वाउल का मतलब ये है कि हम जो है राइट सेमी सर्कल यूज करेंगे। तो अब इसमें सी वार्ड, सी वार्ड, तो ये सी हो गया और ये हम जो है डाउन आर डार्क करके यूज कर लेंगे, और वार्ड जो है हमारा ऐसे सी वार्ड, ये इस तरह से हम इसके यूज करेंगे। कॉर्न वार्ड, ये के एन और ये एल, ये कॉर्न हो गया यहाँ पे, और वॉल है ये, मतलब वे प्लस ओ, ये जो ओ का साउंड हमारा ऐसा साउंड है, डैश ऑल है। तो इस तरह का ये हम इसमें राइट साइड से लगा देंगे इसमें। इस तरह से वर्ड्स वर्थ में क्या हो रहा है, वे आ रहा है इधर और ये मच जैसी साउंडिंग आ रही है। तो इसमें आप देखिए ये वर्ड्स, ये रे और इथ। अब ये जो सेकंड प्लेस पे आ रहा है रे से पहले, तो यहाँ पे ये सेकंड प्लेस पे हम लगा देंगे इसको। और मिस वॉट, तो ये मिस हो गया और ये के हाफ कर देंगे, और कोट है वो वे प्लस ओ, तो ये जो है सेकंड प्लेस पे हम लगा देंगे इसके के हाफ के बाद में। लैम्स वूल, ये लैम सॉरी
एल बनाएंगे हम, और ये एम बी हो गया ऐसे हमारा, और ये एल हो गया, और ये फर्स्ट प्लेस वाला, और यहाँ पे क्या हुआ वे प्लस ऊ मतलब थर्ड प्लेस हुआ ये, तो यहाँ पर, और ये डैश वाला है तो थर्ड प्लेस में हमने इस तरह का राइट सेमीसर्कल लगा दिया। तो इस तरह से आप, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको इजीली, ये इतने एक्सप्लेनेशन के बाद में। तो इसमें कुछ ग्रामर वर्ड्स देख लेते हैं यदि हैं कि नहीं। ओके, इसमें कोई ग्रामर वर्ड नहीं है, तो आप इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल दें 123 पेज पे और 124 पे, और उसके बाद एक्सरे 99 है और 100 एक्सरसाइज है जिसमें कि काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 101 और 102 आप कर सकते हो, और इस तरह से आपका वे का लगाने का आपका मिडल में समस्या हल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।